बाघ टांडा से लेकर कठेवाड़ा तक स्वीकृत हो चुके मार्ग में निर्माण की देरी को लेकर आज जोबट की विधायक कलावती भूरिया कठेवाड़ा में धरने पर बैठ गई। अपने समर्थकों के साथ उन्होंने कठेवाड़ा में धरना दिया। उनकी मांग है कि शासन के द्वारा ये रोड स्वीकृत हो चुका है, सारे टेंडर हो चुके हैं, एग्रीमेंट हो चुका है, इसके बावजूद भी रोड का निर्माण चालू क्यों नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि बारिश के दौर में हालात और बदतर हो जाएंगे, उसके पहले सरकार को ये निर्माण चालू कर देना चाहिए था। हालांकि धरने के दौरान अधिकारियों ने उनसे कहा कि 10 दिन में मार्ग में गड्ढे भरने का काम मुहर्रम से पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन वो संतुष्ट नहीं दिखी। उन्होंने खुद सड़कों पर उतर कर विरोध स्वरूप मुहर्रम डाली। तस्वीरें देखिए आप, कलावती भूरिया अपने समर्थकों के साथ कठेवाड़ा में तगारी से मुहर्रम डालते हुए गड्ढों में आपको दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से विरोध जताया है उन्होंने इस मार्ग की बदहाली का। ये तस्वीरें हैं कठेवाड़ा की, जो हमारे संवाददाता गोपाल राठौड़ ने हमको भेजी है, आप देख रहे हैं। ये कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन था। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस विरोध कर रही है 100 दिन की सरकार लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाकर, लेकिन कलावती भूरिया ने इस रूप में ये विरोध किया है। हमारे संवाददाता ने कलावती भूरिया से धरना स्थल पर ही पहुंचकर बातचीत की। क्या कुछ कहा कलावती भूरिया ने, पूरी बातचीत सुनिए। ये हमारा बड़ा खेड़ा से भाबरा होके उदयगढ़ होके ये बाघ टांडा तक का रोड मंजूर हो चुका है, और पिछली सरकार हमारी कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री माननीय कमला साहब थे, उन्होंने मंजूर कर दिया। इसका मंत्री थे अपने सज्जन सिंह वर्मा जी, सेंक्शन करके पूरा एग्रीमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन सरकार बदलने के बाद ये सरकार बदले की भावना से, हम कांग्रेस के विधायक है इसलिए हमको परेशान करना और जनता को परेशान करने के लिए जानबूझ के ठेकेदार को निर्देश नहीं दे रहे, काम चालू करने के लिए रोक के बैठे ले। आज हम चेतावनी देने के लिए यहाँ बैठी हूँ मैं। यहाँ के लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी रोड चालू किया जाए। 10 दिन के अंदर रोड चालू नहीं होगा तो अगला फिर क्षेत्र के लोग चक्का जाम करेंगे। इसके जवाबदार पूरी तरह से सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री और प्रशासन की पूरी तरह से जवाबदारी रहेगी। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे, लोगों के हाथ टूट रहे, पैर टूट रहे, कहीं की मौत हो गई। इस रोड में कितने लोगों की मौत हो गई, जाने चली गई, लेकिन सरकार को परवाह ही नहीं है। बार बार अभी भी मैं 8 दिन पहले गई थी, सेक्रेटरी साहब को लेटर देके आई कि रोड चालू की जाए शीघ्र से शीघ्र। बरसात आ रहा है और रोज एक्सीडेंट होगा, तो अभी तो बरसात गिरा नहीं है। यहाँ बरसात होने के बाद आप देखिए डेली गाड़ियाँ कितनी गिरेगी और कितने के हाथ पैर टूटेंगे। तो मेरा ही मांग है कि ये रोड जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, ठेकेदार को निर्देश किया जाए, और नहीं करेंगे तो हम फिर इसको रोड को चक्का जाम करेंगे, ये मेरा कहना है। मैडम, प्रशासन की ओर से आश्वासन मिला है कुछ अभी तक? प्रशासन ने कहा कि 10 दिन अभी जब तक रोड चालू नहीं है उसको खड्डे भरने का काम करने के लिए बात हुई है। खड्डे भरे तो ठीक है, हम तो रोड की मांग कर रहे हैं, खड्डे ठीक है, खड्डे मिट्टी भरते हैं फिर निकल जाती, क्या करेंगे इस मिट्टी को हम। रोड बनना चाहिए, हमारा स्थायी रोड मांग कर रहे हैं लोग। खड्डे वड्डे भरते जाते हैं वापस उखड़ जाते हैं, तो खड्डे में विश्वास नहीं है। पर विश्वास दिलाया है कि खड्डे अभी भरने का, सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई, वो कह रहे कि हम खड्डे भरने के लिए निर्देश कर रहे हैं और शीघ्र चालू कराएंगे, ये आश्वासन मुझे मिला है। लेकिन ये कितना आश्वासन सही निकलता है, 10 दिन में मैं अनुरोध कर चुकी हूँ कि 10 दिन में आप चालू करवाएं, और नहीं होगा तो फिर क्षेत्र की जनता आक्रोश होके कुछ भी डिसीजन और निर्णय ले सकती है, ये मेरी मांग है।